अब जैसे मैंने पहले कहा, सरकार बनाने की रेस अगर चल रही है, रोहित अग्रवाल है आरएलडी से, रोहित एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में जाएंगे? रोहित मानक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ईवीएम बदनाम होने से आज बच गई और डीएम साहब की प्रतिष्ठा भी बच गई। जिस तरीके से कल बयान आ रहे थे कि कफन बांध के मत्थे पे निकलना अन्यथा लोकतंत्र लूट जाएगा, तो कम से कम इनको ये तो आश्वस्त होंगे कि लोकतंत्र हमारे देश का मजबूत है। रोहित आज आवाज में दम नहीं लग रहा भाई, क्या हो गया? नहीं, आवाज आती रही होगी, आवाज में पूरा दम है। और मैं तो ये कहूंगा मानक भाई कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार का जो एजेंडे में रहे वो जनता रहे। अरे सीधा सीधा रोहित बताइए, नहीं होगा सीधा सीधा बताइए, बीजेपी के साथ रहेंगे या इंडिया गठबंधन में जाने के रास्ते खुले हैं? प्री पोल अलायंस में हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। और जो आप अभी इंडिया गठबंधन का आंकड़ा दिखा रहे हैं उसके अंदर आप ममता बनर्जी जी का भी आंकड़ा जोड़ के दिखा रहे हैं, उसको आपको आदर्श में डालना चाहिए। ममता बनर्जी जी और ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े हैं। कैसा तर्क दे रहे हैं? ममता बनर्जी खुद कह चुकी है कि वो चुनाव भले ही अलग लड़ रही हो पर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया रोहित, एक सेकंड, ना 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 रोहित, उन्होंने तो यहां तक कहा कि सरकार को बाहर से समर्थन दूंगी, बाद में उसको बदला और बोली सरकार में शामिल भी हो जाऊंगी। तो ऐसा तर्क मत दीजिए, आपको भी पता है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, शुरुआत से जब गठबंधन बन रहा था वो तब से उसमें शामिल है। राष्ट्रीय लोकदल और जेडीयू प्री पोल अलायंस में एनडीए के साथ रहा है, उसको आप इंडिया गठबंधन में भेज दे रहे हैं। भाई मैं नहीं भेज रहा हूं, वो जो इन्होंने एक मिनट के खिलाफ चुनाव लड़ा। रोहित वन सेकंड, रोहित मैं नहीं भेज रहा हूं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिल रही है, जनादेश देखिए, आप पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब मुझे बताइए क्या गलती नहीं कर दी बीजेपी के साथ जाके? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं, हम किसानों के हित में राजनीति करते हैं। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया गया, लेकिन किसानों का वोट आप ये कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को नहीं मिला और सारा बीजेपी को मिला? पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप बात कर लीजिए तो राष्ट्रीय लोकदल अपनी दोनों सीटें जीत रहा है। मैं आरएलडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं रोहित। आज पूरे यूपी में बताइए, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं लड़ पा रही है क्योंकि उनके सहयोगी दल ही ध्वस्त हुए चले जा रहे हैं। भाई वेस्टर्न यूपी में भी बढ़िया नहीं लड़ रही है, इसकी बात कर लें, सीटें बीजेपी की पूरे यूपी में कम हो रही है रोहित। मैं मान रहा हूं उस चीज को, मैं मान रहा हूं, परंतु सरकार तो भाजपा की बन रही है ना, और अंत में जो जीता वो सिकंदर। अगर हमको 272 भी मिलते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो लोकतंत्र की मजबूती होगी। और अगर 272 रोहित वन सेकेंड, अगर 272 इंडिया गठबंधन के साथ भी पूरे हो रहे हो तब क्या करेंगे? नहीं हम तो प्रीपोल अलायंस के साथ, एनडीए के साथ हैं। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक बार फिर से रोहित एक बार फिर से कह दीजिए, चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, बोल दीजिए रोहित। हमने हमेशा पटकना दिया है, हमने हमेशा किसान के हित में काम किया है, हमने हमेशा युवाओं के हित में काम किया है, हमने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सुनिए रोहित, नहीं नहीं रोहित, रोहित कह दीजिए किसी कीमत पर एनडीए नहीं छोड़ेंगे, इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, बोल दीजिए। नहीं कैसे छोड़ेंगे, हम प्री पोल अलायंस में है एनडीए के साथ, प्री पोल अलायंस में। ममता बनर्जी जी तो इनके खिलाफ चुनाव लड़ी हैं। अरे प्री पोल अलायंस की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे प्री पोल अलायंस कभी टूटता नहीं है। आपने भी तो चुनाव से ठीक पहले प्री पोल अलायंस बनाया था ना समाजवादी पार्टी के साथ, चुनाव से पहले ही छोड़कर आ गए इधर, वो भी तो प्री पोल अलायंस था। मानक भाई टूटने का तो बात ही नहीं आती क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट बनाने जा रही है, 285 आपके स्क्रीन पे दिख रही है, अभी दो घंटा रुकिए, 300 का आंकड़ा पार करेगा एनडीए। ओके जयंत एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड माफ करिएगा, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रवक्ता रोहित एक सेकंड रुकिएगा, राजेश गुप्ता मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के, जरा दिल्ली पर भी एक कॉमेंट और पंजाब पर भी एक कॉमेंट, राजेश आए।